नवोदय विद्यालय समिति जूनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट में अगर यहाँ पे मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूँ कि कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। देखो, कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ कि जो भी आपका MS ऑफिस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि MS ऑफिस में वर्ल्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ऐसी चीज़ें होती हैं ना जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे एक्सेल में आपका शॉर्टकट पूछ दिया, वर्ल्ड में स्पेसिफिक कंट्रोल J से क्या होता है, कंट्रोल E से क्या होता है, या जस्टिफिकेशन का आपका जो शॉर्टकट है वो आपको क्या होता है। ये जो शॉर्टकट की होती हैं वो आपकी अधिकतर पूछी जाती हैं। साथ में पावर पॉइंट में आपको पूछ दिया गया कि इंसल्ट टाइप में आपको डिजाइन जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, सेप्स आपको किस टाइप में मिलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके MS ऑफिस में पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो कंप्यूटर में शॉर्टकट की होती है, जैसे मान लो अल्ट और अल्ट प्लस F4 दबाने से आपका क्या होता है, विंडो और प्रिंट का वो दबाने से आपका क्या होता है, स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, ये सारी जो भी शॉर्टकट कीज जो कंप्यूटर में आपकी होती हैं वो होती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं, किसका क्या काम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपकी कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर आपने CCC का जो कोर्स है वो आपने किया हुआ है, या CCC एग्जाम जो है वो अगर आपने पास किया हुआ है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत इस मामले में बिल्कुल भी नहीं है। आप आसानी से कंप्यूटर में जो है वो आप पास कर जाओगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं कई ऐसे जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके मैं लिंक डालता रहता हूँ, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका कोई भी क्वेरी है तो नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप अपनी क्वेरी ड्रॉप करके